राधे राधे दोस्तों दोस्तों, बच्चा जब जन्म लेता है तब आपने अवश्य ही सुना होगा कि वह जन्म लेने के बाद रोता अवश्य है। आखिर ऐसा क्यों है, क्या है इसका रहस्य? दोस्तों, बच्चे के जन्म के बाद रोने के धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण हैं। ये दोनों कारणों में से पहले हम वैज्ञानिक कारण के विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों, शिशु जब माँ के गर्भ में होता है तो वह माँ के द्वारा ग्रहण की गई चीजों को ही ग्रहण करता है। माँ जो कुछ भी ग्रहण करती है वह तरल पदार्थ के रूप में बच्चे की नाल जो माँ के गर्भ से जुड़ी होती है उसी गर्भ नाल के द्वारा तरल पदार्थ बच्चे के पेट में जाता है जिससे बच्चा जीवित रहता है। ये तरल पदार्थ ही बच्चे के फेफड़ों में रहता है। माँ के गर्भ में बच्चे के फेफड़ों का कोई कार्य नहीं होता है क्योंकि माँ के गर्भ में शिशु अपने फेफड़ों से सांस लेता ही नहीं है। प्रसव की पीड़ा के बाद जब शिशु जन्म लेता है तो वह पहली बार अपने फेफड़ों से सांस लेता है, इसलिए वह रोता है। बच्चे के जन्म लेते ही रोना उसके स्वस्थ होने का प्रतीक है। कभी कभी बच्चे जन्म के तुरंत बाद रोते ही नहीं है तो डॉक्टर बच्चे की पीठ पर हल्के हाथ से मारते हैं और बच्चे के फेफड़ों से वह तरल पदार्थ नाक व मुंह से बाहर निकालते हैं जिससे बच्चा अपने फेफड़ों से ठीक से सांस ले सके, नहीं तो अनेक बीमारी होने का खतरा होता है। अब हम बच्चे के रोने के विषय में धार्मिक कारण पर आते हैं। दोस्तों, धार्मिक कारण के अनुसार जब बच्चा प्रसव की पीड़ा के बाद माँ के गर्भ से बाहर आता है तो उसका रोना कुछ इस प्रकार होता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ। इसके पीछे भी एक कथा है। दोस्तों, एक बार ब्रह्मा जी ने अपने ही जैसे एक बच्चे को अवतरित करने का सोचा। वह बच्चा जब प्रकट हुआ तब वह बहुत रो रहा था और रोते हुए वह यह पूछ रहा था कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ। तभी ब्रह्मा ने उस बच्चे से कहा, तुम प्रकट होते ही रोने लगे, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। माना जाता है कि उससे पहले बच्चे रोते नहीं थे, रुद्र के रोने के बाद ही संसार में बच्चों ने रोना प्रारंभ किया। इस्लाम धर्म में माना जाता है कि बच्चे के जन्म के बाद उसे शैतान छूता है इसलिए बच्चा रोता है। इसलिए इस्लाम धर्म में बच्चे के कान में तुरंत अजान बोली जाती है ताकि बच्चा तुरंत अल्लाह की शरण में चला जाए। क्या आपको इस जानकारी के विषय में पता था? तो कमेंट में जरूर बताएं एंड वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।